हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ अमन, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयुष स्टूडेंट्स जैसे कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा मेनली दो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। पहली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और दूसरी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। ये दोनों ही स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जिससे आपकी बीएएमएस बीएचएमएस की फी पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। दूसरा, हम बात करते हैं इनकम क्राइटेरिया। अगर आप एसटी, एससी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पेरेंट्स की कोई इनकम लिमिट नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस या बीएचएमएस कर रहे हो तो, और वहीं हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए। अगर 3 लाख से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। वहीं अगर हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो इस स्कॉलरशिप्स के लिए कोई एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आपके 10th या 12th में कोई भी मार्क्स रहे हो, आप इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो। अब हम फ्रेंड्स दूसरी स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। तो फ्रेंड्स, आप चाहे इस स्कॉलरशिप्स के लिए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, एसटी के हो या एससी के हो, आप सभी इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हैं। जैसे कि अगर आपने एमपी बोर्ड 12th आपने एमपी बोर्ड से पास किए हो, तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 75% होना चाहिए। वहीं अगर आपने 12th सीबीएसई बोर्ड से पास किए हो, तो आपकी मिनिमम परसेंट 85% होना चाहिए। अगर हम इनकम लिमिट की बात करते हैं, तो चाहे आप जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपको इन स्कॉलरशिप्स के लिए कब और कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका एडमिशन होता है, उस समय तो आपको कॉलेज की जो भी फी है वो तो पे करना होती है। फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चालू हो जाता है, तो आपको कॉलेज वाले इन्फॉर्म कर देते हैं। तो आप फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन हो जाने के बाद आपकी जो भी कॉलेज की ट्यूशन फी होती है, वो सारी की सारी फी आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। So friends, if you want more videos related to NEET Ayus counseling and videos related to Ayurveda, so please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.